आज हम लोग इस वीडियो में बाज के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। बाज एक शिकारी पक्षी है और इसे अंग्रेजी में फाल्कन के नाम से जानते हैं। यह फाल्को जीनस की पक्षी है जिसकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। बाज संयुक्त अरब अमीरात देश का राष्ट्रीय पक्षी है। वयस्क बाजों के पंख पतले होते हैं जो उन्हें तेज गति से उड़ने और तेजी से दिशा बदलने में सक्षम बनाते हैं। बाज एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। बाज अपने शिकार को चोंच के किनारे के दांतों का उपयोग करके मारते हैं, जबकि चील और गरुड़ शिकार करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा बाज गिर फाल्कन है जिसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर तक होती है। बाज की सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी बाज है जो सिर्फ 20 सेंटीमीटर की होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बाज की दृष्टि इंसानों से 8 गुना बेहतर होती है। बाज लगभग 4 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देखने में सक्षम होते हैं। बाज की रात की दृष्टि बहुत अच्छी होती है और वह पारा बैंगनी किरणों को भी देख सकते हैं। इनकी सुनने की क्षमता साधारण होती है और सूंघने की क्षमता खराब होती है। बाज भोजन के लिए कई हजार विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का शिकार करते हैं। यह शीर्ष स्तर का मांसाहारी पक्षी है जिसका शिकार केवल गरुड़, उल्लू और इंसान कर सकते हैं। भारत में मुख्यतः बाजों की 3 प्रजातियां पाई जाती है, लाल गर्दन वाला बाज, लैगर बाज और पेरेग्रीन बाज। पेरेग्रीन बाज जिसका वैज्ञानिक नाम फाल्को पेरेग्रिनस है, विश्व के हर देशों में पाया जाता है। पेरेग्रीन बाज 320 से 390 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गोता लगाते हुए दर्ज किया गया है, जिससे वह पृथ्वी पर सबसे तेज गति से चलने वाले जीव बन गए हैं। इसका औसत जीवन काल 17 वर्ष, शरीर का आकार 14 से 19 इंच और इनके पंखों का फैलाव 3.3 से 3.6 फीट तक होता है। पेरेग्रिनस बाज घोंसला नहीं बनाते हैं। मादा पेरेग्रीन आमतौर पर चट्टान के किनारों पर एक जगह चुनती हैं और ढीली मिट्टी, रेत, बजरी या मृत वनस्पति को खुरच कर 2 से 4 अंडे देती हैं। शाहीन बाज मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पेरेग्रीन बाज की एक गैर प्रवासी उप प्रजाति है। इसे ब्लैक शाहीन और भारतीय पेरेग्रीन बाज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा और शक्तिशाली बाज है जिसके सिर और ऊपरी भाग काले रंग के होते हैं और नीचे के भाग में महीन गहरी धारियां होती हैं और गर्दन सफेद रंग के होते हैं। लाल गर्दन वाला बाज जिसका वैज्ञानिक नाम फाल्को चिक्केरा है, भारत और अफ्रीका में पाई जाती है। मध्यम आकार के इस बाज का ऊपरी शरीर और पंख नीले भूरे रंग के होते हैं और पूंछ की नोक पर एक काली पट्टी होती है। भारतीय उप प्रजाति फाल्को चिक्केरा। चिक्केरा को लाल सिर वाले मर्लिन या लाल सिर वाले बाज के रूप में भी जाना जाता है। ये ज्यादातर सुबह और शाम के छोटे पक्षियों, चमगादड़ों और गिलहरियों का शिकार करते हैं। इनकी लंबाई औसतन 11 से 14 इंच, पंखों का फैलाव 2.8 फीट और वजन लगभग 160 ग्राम होता है। यह बाज अक्सर दूसरे पक्षियों के पुराने घोंसलों का पुनः उपयोग करता है। लैगर फाल्कन।
जिसे लुगर फाल्कन या जग्गर फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है, एक मध्यम आकार का बाज है। इसका वैज्ञानिक नाम फाल्को जुगर है। इसकी लंबाई औसतन 15 से 17 इंच, पंखों का फैलाव 3 से 3.5 फीट और वजन लगभग 500 से 850 ग्राम होता है। लैगर फाल्कन एक लंबे पंखों वाला एक बड़ा एवं पतला बाज है, जिसके पंख, पूंछ व शरीर का पिछला हिस्सा सिलेटी भूरे रंग का होता है और इस पर काले या गहरे भूरे धब्बे दिखते हैं। इसकी आंख के पास से नीचे की तरफ दोनों ओर भूरे रंग की धारी दिखती है। इसके सिर का रंग गहरा भूरा होता है। इसकी चोंच सिलेटी रंग तथा पंजे पीले रंग के होते हैं। लैगर बाज का मुख्य भोजन छोटी छिपकलियां, गिरगिट, छोटे जीव, छोटी पक्षी व कीट आदि होते हैं। पक्षियों को ये उड़ते हुए ही अपना शिकार बनाते हैं। ये आमतौर से सूरज की दिशा से उड़ते पक्षियों पर आक्रमण करते हैं। सूर्य की चमक सामने होने के कारण पक्षी इसे एकदम नहीं देख पाते तथा इसका शिकार बन जाते हैं। Thank you for watching. Dear kids, please like and share this video. For more updates and informative videos, kindly subscribe this channel.